हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोग कई दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर एक मोबाइल नंबर अपडेट का आप लाइव वीडियो बना दीजिए, मोबाइल नंबर जीमेल कैसे अपडेट होता है टीम व्यूअर से। तो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको कि टीम व्यूअर से कैसे अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाल लिया और यहाँ पे मैंने अपना फिंगर स्कैन कर लिया है। यहाँ पे कस्टमर कौन है तो मैंने सेटअप पहले से कर रखा, तो सिक्योरिटी रीजन से सेटअप नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी जहाँ पे कस्टमर है वहाँ पे उसका फिंगर स्कैन हो जाएगा। अभी उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो उसका फिंगर आ गया, अब फाइंड आधार करेंगे। अभी मैं जिसका अपडेट कर रहा हूँ वो शायद महाराष्ट्र से है, और हमको इसमें मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी करना है। जिसका मैं कर रहा हूँ ये टीम व्यूअर मैंने कनेक्ट किया, मैं उसका वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जीमेल भी होना है। मैंने ये जीमेल भी कॉपी कर लिया वहाँ से और मैं सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर फिर से कस्टमर का ही फिंगर स्कैन होगा, तो वहाँ पे लाइट जल गया होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा फिंगर स्कैन होगा, तो और यहाँ पे हम अपना फिंगर अब स्कैन कर लेंगे तो मेरे डिवाइस की लाइट जल गई है। उसके बाद में वेरीफाई बायोमेट्रिक अपना करेंगे, उसके बाद में सेव कर देंगे। उसके बाद में ये स्लिप प्रिंट होगी। कभी कभी क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो मेरा कार्ड एक दिन में जनरेट हो जाता है, कुछ भी आप अपडेट करवाइए। और मैं क्लाइंट को अपने स्लिप देने के लिए यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। नेहा नाम जो था, मैं यहाँ पे नाम सेव कर लेता हूँ नेहा, मैंने सेव कर लिया इसको। उसके बाद में अभी एनरोलमेंट फॉर्म जो प्रिंट होता है उसको मैं स्कैन करके दिखाऊंगा कैसे स्कैन होता है। और यहाँ से मैं एनरोलमेंट फॉर्म जो है उसको यहाँ से अटैच कर लिया। जो स्लिप है उसको मैंने प्रिंटर में रख दिया स्कैन के लिए। तो स्लिप भी मेरी स्कैन हो रही है, अभी प्रीव्यू दिखेगा स्कैन का। ये आ गया प्रीव्यू, मैं ऐसे इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने ये सबमिट हो गया, कस्टमर के फ़ोन पे SMS पहुँच गया होगा। ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।